दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी। दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम अहले वतन बहन भाइयों को दिल अपना पाकिस्तान और मेरी पूरी टीम की तरफ से दिली बहुत बहुत ईद मुबारक। और नाज़रीन, इस वक्त हम इस ईद के मौके पे यहाँ मौजूद हैं, इंतखाब साहब के घर मौजूद हैं और आपकी मुलाकात भी कराते हैं। इंतखाब साहब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं और इस प्रोग्राम के करते धरते हैं, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं वो। तो आइए नाज़रीन से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईद मुबारक का, और मेरी टीम को भी और अहले वतन को ईद मुबारक। जो लोग ये प्रोग्राम देखेंगे उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। बिल्कुल इंतखाब साहब, आप ये बताइए, आप कुछ अपनी इस प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरह से है कुछ। हाँ, इस प्रोग्राम के बारे में हमें ये कम्युनिटी को इस प्रोग्राम की ज़रूरत थी यहाँ पे वैंकूवर में और लोअर मेनलैंड में। हम चाहते थे कि हमारा एक और प्रोग्राम हो जिसमें पाकिस्तान की सब जुबानें और कौमी ज़ुबान को बराबर का दर्जा मिले, और हम चाहते हैं कि लोग यहाँ पे यूनाइट होके रहें और एक फैमिली की तरह हम इस प्रोग्राम को देखें भी, और इस प्रोग्राम के सब जो अगराज मकासद हैं वो यूनिटी है हमारा। और हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें पेरेंट्स और बच्चों की एक्टिविटीज़ साथ में शामिल की जाएं। बिल्कुल। तो बस नाज़रीन को हम पहले अपना एक पसंदीदा गाना सुनाते हैं इस मौके पे। बिल्कुल मलिया, ये सिलेक्शन गानों की मैंने आप पे रखी है जी। आप भी जो भी सुनाएंगी, मुझे उम्मीद है कि आप नाज़रीन को पसंद आएंगी गाने जी। इस दफ़ा मैं टोटली अपनी चॉइस सुनाने लगी हूँ आपको, इस उम्मीद पे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं चाहती हूँ कि आप अपना फीडबैक दीजिए, ईमेल्स के थ्रू दीजिए, एसएमएस के थ्रू दीजिए, कॉल कीजिए हमको, लेकिन ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम आपके पसंदीदा सॉन्ग्स को इसमें शामिल कर सकें, आपकी पैगामात को शामिल कर सकें, बर्थडे डेडिकेशंस, अ लॉट ऑफ थिंग्स आप भेज सकते हैं इस प्रोग्राम में, और हमें अपना मशवरा दीजिए कि हमें क्या चीज़ ठीक करनी चाहिए इस प्रोग्राम में, क्या चीज़ ठीक नहीं है। तो आइए नाज़रीन, हम अपना सॉन्ग सुनते हैं और मिलते हैं इस सॉन्ग के बाद। चलो स्टार्ट करें जी इस शो को है जी, आज 15 साल होने को है जी, सब बड़े सितारे एक साथ है बैठे, पर अंदर क्या रे ये किसको पता रे। प्यार पर अंदर से ये सोचूं मैं के यार आई एम अ बिगर स्टार, क्या मैं बड़ा क्या तू बड़ा, इस स्टार बार में क्या पड़ा, जो दिल से बड़ा है वो बड़ा है बाकी सब तो, क्या मैं बड़ा क्या तू बड़ा है वार्ड के पीछे पड़ा, क्या पहनूंगा कैसे लगूंगी मैं जब इंस्टा पे सब बोलेंगे के यार देखो वो पीछे वो भी खड़ा है। जरा खोल दे बटन तू टक सके, दीपक बरवानी तू है राजा तू ही रानी, बड़ी महंगी चस्वाए तेरी शेरवानी, महानूर बलोच कभी बूढ़ी नहीं होती, ओ डियर नबील टेल व्हाट्स द स्टोरी, मरा खान बन गई है बड़ी स्टार, मैं विश ने ले ली है उससे बड़ी कार, अमीर अदनान की हो नई दुकान, या सोना सफीनाज की एक और लॉन, मैं सल्ली पे लड़कियां टल्ली, आपने फ्रंट रो पे मेरी जगह मल्ली, अखबार वाले रिव्यू क्या देंगे, नया फ्लैट आप सी व्यू में लेंगे, इमरान खान या फवाद खान, मिसबा के डंड या लाल की जान, इस मुल्क में क्या हो रहा है, फिर भी अवार्ड पे तू रो रहा है, कब दिल्ली आ नहीं रही, ओ तो दिल्ली आ गई है, क्या मैं पढ़ा क्या तू पढ़ा, इस कारोबार में क्या पढ़ा, जो दिल से पढ़ा
सेल्फी, ओ ले लो मेरी सेल्फी, नहीं है मुझे कल की कोई भी फिकर। पर जानू, ओ माय गॉड जानू, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड बट आई फाउंड आउट, यू व्हाट, शी वाज वेयरिंग अ फेक एंड ओ माय गॉड इट लुक्स सो बैड एंड सो अनकूल। अस्सलाम वालेकुम, मैं उजवे अब्बासी और पाकिस्तान से ढेर सारा प्यार, दुआएं और बहुत सारा सलाम लेकर आई हूं आपके लिए। ये बताना चाहती हूं कि बहुत जल्दी दिल अपना पाकिस्तान एक प्रोग्राम आने वाला है केबल नेटवर्क पर, जिसका नाम है शो। आपने ज़रूर देखना है, हमारे साथ रहना है सितंबर 2016 में। स्टे ट्यून्ड एंड बी देयर। बाय बाय। Sheikh and you are watching Dil Apna Pakistan on Show Cable Network with Malia Ghazan and Intikhab Ahmed. So keep watching. Here we go. Here, listen up. Come on. आपको कैसा लगा हमारा सॉन्ग? उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा।
इस वक्त हम इंतकाब साहब के घर हैं, जिस तरह से आपसे जिक्र किया था, और यहाँ पर एक गेट टुगेदर हो रही है ईद की, और हम सब यहाँ पर आए हुए हैं। और जी इंतकाब साहब, आज आपको हमने जहमत दी, हम सब मेहमान बन के आ गए हैं आपकी तरफ। जी मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे अपने मेहमानों के साथ उनके प्रोग्राम भी कर रहे हैं, और हम यहाँ पे चाय और मीठा जो है वो खाने के बाद हो रहा है। कुर्बानी का गोश्त खिलाया जा चुका है लोगों को, जो कि बहुत अच्छी बात थी। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं रिजवान साहब। और जी रिजवान साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक आप सब लोग को, बहुत बहुत ईद मुबारक, और अहले वतन खास तौर पे पाकिस्तान, जिसको तो हम ना कभी भूले हैं और ना भूल सकते हैं, सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बहन भाई हैं हमारे, सबको ईद मुबारक, खासतौर पे ह्यूस्टन वालों को ईद मुबारक, जहाँ से हम सब लोग आए हैं। फाइनली तो हम वहीं से आए हैं। जी हाँ जी हाँ। और स्पेशल थैंक यू इंतखाब साहब, जिन्होंने आज ये महफिल सजाई इतनी अच्छी, ईद पे इतना अच्छा प्रोग्राम किया। अभी हम लोगों ने जनाब कुर्बानी की चिकन कढ़ाई, गोश्त की कढ़ाई बनी थी वो खाई, और बहुत सारी चीजें थी, उनके बारे में तो हम आपको जिक्र करते ही रहेंगे, बताते रहेंगे। आप ये बताइए कि आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद तो बस ऐसा लगता है कि यहाँ आके गुजरी है और गुजर रही है। आपको पता है यहाँ तो जॉब पे ही रहते हैं, इतना पता नहीं चलता, लेकिन ये कि आज का समा जो बन गया है और वो लगता है कि आइंदा भी बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमारे साथ और भी मेहमान हैं, क्यों ना आप उनका भी तारुफ कराएं। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फराज साहब। जी फराज साहब, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। जी ईद मुबारक आपको भी, खैर मुबारक। ये बताए आपकी ईद कैसी गुजरी? ईद जैसे कि रिजवान साहब ने जिक्र किया, सब जॉब पे गुजरती है और कोशिश करते हैं कि सब लोग मिल बैठे और कुर्बानी का गोश्त खाएं। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है इंतखाब साहब ने अपनी कम्युनिटी के साथ, तमाम सबका सही बात है। तो आई होप के लोग एंजॉय करें, बहुत एंजॉय करेंगे। और ईद के हवाले से आप ये सबसे पहले तो एक राज मुझे पता है कि आप गुनगुनाते हैं। नहीं वो राज ये है कि वो मैं अपने घर में गुनगुनाता हूँ। अच्छा, इसलिए कि ताकि मेरे घर वाले उठ जाएं। लेकिन मुझे पता चला है उससे पहले कि आप लोगों ने चांद रात पे हमारे बगैर कोई फंक्शन वगैरह भी करके आप लोग उसका जिक्र पहले हो जाए। आपने बहुत मिस किया। जी हाँ, नाज़रीन हमारी एक दोस्त है बहुत अच्छी, जिनका नाम है रिजवाना अलीम, और उन्होंने ये असल में एक महफिल रखी थी पंजाब बैंक्वेट हॉल में, जो कि फायर बिजनेस सेंटर पे है, और यहाँ पर एक ईद मेला रखा था। जी ये बिल्कुल सरी में जी। अच्छा, उन्होंने एक मेला रखा था और बहुत जबरदस्त मेला था, जबरदस्त कपड़े, ज्वेलरी, मेहंदी, अच्छा, खाने पीने के मजे मजे की चीजें। तो आपने तो बहुत मिस कर दिया। हम लोग तो जॉब पे थे सब, आप लोगों के उसमें आए, इसीलिए हमने उस प्रोग्राम की कवरेज रखी है। तो हम क्यों ना अपने नाज़रीन को भी दिखाते हैं। तो चलिए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं हम थोड़ी सी क्लिप्स, देखिए आप, और फिर हम मिलते हैं दोबारा ब्रेक के बाद। सब लोगों ने कुछ टाइम निकाला है अच्छा इस इवेंट को अच्छा बनाने के लिए। और ये हम ज्वेलरी देख रहे हैं आपकी, कुछ इस देख सकते हैं नाज़रीन, ये जबरदस्त ज्वेलरी है, और ये आई थिंक कुंदन है, कुंदन जबरदस्त है। अच्छा, आपकी प्राइसेस डिफरेंट है सारी? वेरी रीजनेबल, रीजनेबल प्राइसेस, वेरी गुड, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट मलिया गाजर, इंतखाब अहमद,
दिल अपना पाकिस्तान से खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं पंजाब बैंक्वेट हॉल में, जहाँ ईद का मेला लगा हुआ है और आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत ज़बरदस्त कपड़े, बहुत मतलब की ज्वेलरी, खाने पीने की चीज़ें और बहुत कुछ, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। और मेहंदी भी आ रही है, मेहंदी भी है ज़बरदस्त, और मेहंदी भी लगाने के लिए बहुत ज़बरदस्त ज़बरदस्त टैलेंट आपको यहाँ नज़र आएंगे। और इंतकाब साहब, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं ये फील कर रहा हूँ कि ये ईद का समय है, खुशियों का मौका है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तानी लोग और सब देखने वाले, उर्दू समझने वाले, वो इस प्रोग्राम को देखें और पसंद करें कि भाई हमने इस प्रोग्राम को नए तरीके से ऑलमोस्ट लाइव की सूरत में हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आप मिस कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप यहाँ पर नहीं हैं तो ज़रूर आइए और हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो जाइए। आगे आपको इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी मैं इधर की हर चीज़ डिफरेंट, बहुत खूबसूरत कपड़े, खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत लोग। जी बिल्कुल मलिया, अब ये बात यह है कि ये प्रोग्राम मैं आपको देता हूँ, इस वक्त आप सब प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगी और मैं खुदा हाफिज़ कहता हूँ सामिन से, तो अब आप इस प्रोग्राम को कंडक्ट करें, अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त, तो बहुत अच्छा है, तो आपको कैसा लगता है, इंजॉय कर रहे हैं आप यहाँ पर? काफ़ी वराइटीज़ है, हर चीज़ का सिलेक्शन है, सिलेक्शन है बिल्कुल, बहुत मज़ा आ रहा है, तो आपकी ईद भी अच्छी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत खुश हुई आपसे मिलकर, आई लव योर जर्नी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसके बारे में जी सी एफ का, बेसिकली जी सी एफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स इन एंशियन पाकिस्तान, और ये अंडर प्रिविलेज एरियाज में जो बच्चे हैं उनके लिए डिफरेंट स्कूल्स हैं। और कैसा लगा आपको अपना प्रोग्राम, और ईद मुबारक बहुत बहुत। मौला जग आए जग जाए रे, मौला रख यूं ही बात बनाए रे, मौला जग आए जग जाए रे, मौला रख यूं ही बात बनाए रे, इश्क है गाना, मैं हूँ ऐसा हिस्सा, टूटेगा ना तू मेरा एतबार, टूटेगा ना मैं हूँ ऐसा हिस्सा, टूटेगा ना तू मेरा एतबार। रास्ताए दुश्वार है लेकिन सोच समझ कर चुना मैंने, मेरी कैप है इज्जत मेरी। आज की मैं जिक्र करूंगी फेस्टिवल का, पाकिस्तान डे का, जो 14 अगस्त को यहाँ मनाया गया। जी इंतखाब साहब, आपको अगर याद हो फेस्टिवल में हम मौजूद भी थे। बिल्कुल, हम वहाँ पे मौजूद थे, पाकिस्तान फेस्टिवल इस बार वाटर फ्रंट पे हुआ था, बहुत अच्छी सीनरी थी, बहुत चार्ज क्राउड था, इतना अच्छा क्राउड था कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़ा सनी डे था, अगस्त वाकई अगस्त लग रही थी यहाँ पे, और हल्की हल्की ब्रीज आ रही थी, और फिर जब फैशन शो हुए वहाँ पे और बच्चों के, हाँ फैशन शो हुए वहाँ पे, बहुत अच्छा था। और उसके बाद सिंगर जवाद अहमद आए, जवाद अहमद मेरे बहुत फेवरेट हैं, और उन्होंने उन्होंने जी उन्होंने महफिल लूट ली, मुझे तो ऐसा लग रहा था, मैं उसे ना एडमायर कर रहा था उन्हें, और वो उनके जो उन्होंने अपनी ड्रेसिंग जो की थी वो 70s
अपनी 80s की ड्रेसिंग थी, जो टाइट जींस पहने हुए हो जनाब, और साथ उनके गाने, मतलब एक भंगड़ा मूड जो था वो ज्यादा उनका जबरदस्त गाने होते हैं उनके जी। और उन्होंने जिस तरह से एंड किया अल्लाह के नाम से, ये तो बहुत बड़ी उसके, और जितने उनके गले में जोश गानों में, बेसिकली हमने शुरू से ये बात देखी है नाज़रीन के उनके गानों में उन्होंने अल्लाह के ही नाम से स्टार्ट किया था। जवाद ने अपना जो करियर में जो उनका पहला सॉन्ग भी था अल्लाहू बेसिकली, और उसके उनके हर सॉन्ग में ये जरूर देखा गया है कि अल्लाह का जिक्र जरूर होता है। शायद उनकी कामयाबी के एक राज है वो, उसके पीछे यही है। नहीं शायद मेरे ख्याल में कंफर्म बात है, यकीनन यही बात है, क्योंकि जब अल्लाह पे यकीन रख के कोई काम किया जाए और वो नेक नियती से काम होता है और बहुत तरक्की पाता है, और जवाद अहमद की तरक्की जो है वो सबके सामने है। काफी सक्सेसफुल इवेंट था जी, कितने लोगों की वो तकरीबन रिजवान साहब तकरीबन मेरे ख्याल में बिटवीन 7 to 10,000 के करीब लोग थे, और वो एक वक्त तो ऐसा था कि वो लोग बहुत सारे लोग हर तरह के, मतलब क्योंकि टूरिस्ट भी थे वहाँ पे, और बेसिकली सेंटर पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, और टूरिस्ट भी बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती, म्यूजिक की कोई जुबान नहीं होती है, म्यूजिक का एक ही रंग होता है, वो रंग है के दिल को लुभाने वाला। जी हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली आपकी इस बात से मुझे बिल्कुल याद आ गया कि ये बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। मुझसे पहले मलिया जी जो है कुछ गुनगुना दें, क्योंकि ये तो माशाल्लाह सारे इन्होंने काफी प्रोग्राम्स किए हैं, टोरंटो में भी किए हैं और अमेरिका में भी किए हैं, मैं तो चले फिर भी शौकिया, ये तो माशाल्लाह इनकी इजाजत लूंगी और उसके बाद मैं गाना गाऊंगी। तो क्यों ना फिर हम मौके लेते हुए फिर क्यों ना टोरंटो की तरफ चलते हैं, कैसे ईद हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल नाज़रीन, हम जी हमें खुशी है कि आप इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं टोरंटो से। ये तो आपने बिल्कुल हमारे प्रोग्राम को ईस्ट वेस्ट कनेक्ट कर दिया पकड़ के, और यही मैं चाहता था। आइंदा भी हम आपको लेते रहेंगे, टोरंटो से कॉल आती रहेंगी। जी बिल्कुल, बल्कि आइंदा तो हम आपका गाना सुनेंगे बेसिकली, तो जी इंशाल्लाह प्रोग्राम बनेगा तो जरूर करेंगे जी, जरूर जी जरूर। तो हमारे प्रोग्राम के लिए कुछ विशेष दीजिए सर, फिर हम आपसे इजाजत लेंगे। जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि आपने ये बहुत अच्छा सिलसिला किया, और आपका प्रोग्राम इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और ये बहुत इसको अल्लाह कामयाबी दे। आप मलिया और आपके साथ जितनी और यहाँ आपके साथ टीम है मेरी, उन सबके लिए बहुत बेस्ट विशेष है कि अल्लाह आप सबको बहुत कामयाबी इस प्रोग्राम के तहत दे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दो लाइन सुनाऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तेनु समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, तुझे कहे जान दया मैं तेरा एहसान मना, तू दिल तू जान मेरी मैं तेनु समझावा की। वाह वाह अच्छा, तो मैं भी गुनगुना देता हूँ। ऐसी जमी और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, थैंक यू सो मच, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप जरूर देखते रहिए, बहुत ही इंटरटेनमेंट मिलेगी आपको, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मुझे ही देखते रहना है आपको पूरे प्रोग्राम में। तो बस इसके साथ मैं चाहूँगी कि बस ज़रूर देखें और अपने प्रोग्राम के लिए फीडबैक्स भी हमें देते रहिए फ्यूचर में। शुक्रिया। तो नाज़रीन हम आपको अपनी टीम के मेंबर फराज सदीकी से मिला रहे हैं, इन्होंने टीवी में भी ड्रामों में हिस्सा लिया हुआ है,
اور یہ ہماری ٹیم کے پروڈکشن ٹیم کے بھی ممبر ہیں. تو آئیے فراز صدیقی سے ملتے ہیں. فراز صاحب آپ بتائیے. جی السلام علیکم. یہاں پر ہم وینکوور کینیڈا میں اپنی کمیونٹی کے لیے یہ پروگرام کر رہے ہیں, تو ہوپ فلی آپ انجوائے کریں گے اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. تو ناظرین دل اپنا پاکستان کی ٹیم کے نئے ممبر لیکن بہت ٹیلنٹڈ ممبر ہیں ہمارے, جن کا نام رضوان صدیقی ہے. رضوان صدیقی صاحب آپ کے لیے طرح طرح کے آئٹم لے کے آئیں گے, لیکن یہ ان کی زبانی سنیے. رضوان صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں انتخاب صاحب کو, انہوں نے اتنا اچھا سیگمنٹ شروع کیا ہے. اور سب اہل وطن کو میری طرف سے بہت بہت دلی عید مبارک. ویسے تھوڑی لیٹ ہو گئے لیکن پھر بھی بہت بہت دلی عید مبارک. صرف اتنا ہی کہوں گا اس وقت کہ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان. دل پاکستانی, دل پاکستانی, دل پاکستانی.